हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सविता के समय फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रजनीगंधा। हम लोग नर्सरी से लाए हुए रजनीगंधा को कैसे पॉट में लगाएं और उसका मिट्टी जो सॉइल है कैसे बनाएं। तो चलिए आज का वीडियो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं कैसे घर में ला के इसको लगाई हूँ फुल डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो रजनीगंधा लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको मैं नर्सरी से लाई थी, ग्रो बैग में ही था। इसको मैं पानी में भिगा के रखी हूँ ताकि इसका जो जड़ है वो इसका जो मिट्टी है पानी में निकल जाए। इससे क्या होता है ना, इसका जो मिट्टी अलग हो जाएगा ताकि वो एक एनवायरमेंट से आके दूसरा जगह में लगाऊंगी तो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो इसको मैंने पानी में इसको भिगा के रख दिया था थोड़ा देर के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मिट्टी मुझे कैसे बनाना है। तो मेरा यहाँ पर मिट्टी मैंने यहाँ पर लिया है। आज जो मिट्टी मैं सॉइल यूज़ कर रही हूँ रेड रेड कलर का मिट्टी है। ये जो उठाने वाला है इसमें से पांच बार मैंने मिट्टी लिया है और 1% मैंने इसका लिया है रेत, जिसको सैंड बोला जाता है। ये नदी का सैंड है। और 1% मैंने लिया है कोकोफिट और 1% लिया है भर्मी कंपोस्ट। इसको पहले मिक्स करेंगे उसके बाद में हम लोग। और मैं दो पॉट लाई हूँ, ये 10x12 इंच का है। तो इसी में हम लोग रजनीगंधा का जो प्लांट है इसमें ग्रो करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, उसके बाद में मुझे इसमें डालना है 1% गोबर का खाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो और थोड़ा सा भी दे सकते हैं। और साथ ही मैं नीमखली 1 मुट्ठी भर इसमें यूज कर रही हूँ ताकि इसका जो फंगस ना लगे और मजबूत रहे। इसके साथ ही मैं आधा मुट्ठी आप लोग देख सकते हैं DAP मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसका जो मिट्टी का जो क्षमता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैं सारा सब कुछ यहाँ पर खाद मिलाने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिट्टी थोड़ा सा स्टोन टाइप का है तो मैं इसको तोड़ लूँगी और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। अब ये सॉइल जो है मिक्स हो चुका है। अब मैं रजनीगंधा का पौधा को इसको मैं ला के इसका जड़ से जो बल्ब है इसको मैं एक एक करके अलग करूंगी। आप लोग चाहें तो एक ही साथ में इसको लगा सकते हैं पर मुझे 2 टब में लगाना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बारीकी इसको तोड़ के इसको अलग करना है इसका बल्ब, उसके बाद में हम लोग पॉट में लगाएंगे। सबसे पहले ये जो टब में जो होल है इसको मैंने बड़ा किया है और उसका ऊपर मैं एक छोटा सा पत्थर में रखूंगी ताकि अगर मिट्टी में इसमें डालूं तो ये जो है जाम ना हो जाए। उसके बाद में जो बड़े बड़े मिट्टी है उसको सबसे पहले नीचे देना है, उसके बाद में जो रेतीला मिट्टी है उसको मैं इसका ऊपर में डालूंगी, फिर मैं पौधा ऊपर में लगाऊंगी। तो चलिए मैं अभी टब को मैं मिट्टी से भर लेती हूँ, उसके बाद में रजनीगंधा का जो पौधा है उसको मैं उसका बल्ब से अलग करूँगी। जैसे कि मैंने बताया 2 मुझे टब में लगाना है तो इसको धीरे धीरे करके इसको अलग करना है। अगर टूट जाएगा तो हो भी सकता है ये मर जाए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से अलग हो रहा है। तो मैं एक ही पॉट में एक लगाऊंगी, मैंने इसे अलग करके लगाऊंगी और एक दूसरा पॉट में जो बचा हुआ रहेगा उसको मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए मैं कैसे अलग कर रही हूँ एक एक करके। आप लोग इसको जोर मत लगाइए ना तो इसका जड़ जो है वो टूट भी जाएंगे। और बाकी जो पौधा है मैं दूसरा टब में लगाऊंगी। अब मैं सिंगल सिंगल जो इसको मैं निकाल के रखी हूँ इसको मैं पॉट में लगा दूंगी। तो इसको मैं सबसे पहले अलग करके रख देती हूँ, उसके बाद में मैं इकट्ठा करके इसके अंदर में लगा दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक डंडा का माध्यम से इसको मैंने यहाँ पर होल किया है वैसे ही आप लोग भी ऐसे ही होल कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग इसको अच्छे से लगा दीजिए, ऊपर से मिट्टी भी डाल दीजिएगा।
तो इसको अभी मैंने मिट्टी डाल के पूरा फिलअप कर चुकी हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ये लग के नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लगाई हूँ ताकि इसका ग्रोथ जो है अच्छे से हो सके। अब मैं दूसरा वाला पौधा भी इसमें लगा देती हूँ। मैं ये जो जड़ है मैं अलग नहीं की हूँ इसको, और एक ही साथ में मैं इसको पॉट में लगा दे रही हूँ। इसको ऐसे जड़ को लगाने के बाद में ऊपर से आप मिट्टी दे दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए इसको। तो यहाँ पर मेरा गमले में मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसका जो पुराना पत्ता है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दूंगी। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए ताकि जो नया भी पत्ता आए आप लोग उसको देख पाए अच्छे से और अच्छे से ग्रोथ भी हो पाए। तो मैं क्या करूँगी ना, जो पानी में इसको भिगा के रखी थी उसको सबसे पहले मैं दे दूँगी ताकि उसका जो उसमें खाद में लगा हुआ था उसका पानी ही इसको मैं देने से अच्छा लगेगा। तो मैं इसका पानी जो है पहले एक एक मक्का के दोनों में डालूँगी, इसको पूरे अच्छे से इसको पानी डालना है, नीचे तक पूरा भीगना चाहिए। देखिए इसमें सैंड मिला हुआ है इसीलिए पानी कितना बहुत स्पीड में पानी खींच रहा है नीचे में। इसको बारिश में रखिए, धूप में रखिए, रजनीगंधा जैसे भी आप रखेंगे वैसे ही ग्रो हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका स्टेन जब आता है, इसका फ्लावरिंग जब होता है इसका सुगंध के साथ में बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत टाइम तक ये फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। इससे रजनीगंधा लगाना घर में बहुत ज़रूरी होता है और सुगंध का वजह से भी रजनीगंधा बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं पानी जैसे ही मैं यहाँ पर पानी दी हूँ कैसे ड्रेन आउट हो गया है, पूरा चले गया उधर। मैं वहाँ पर पौधा और लगा रही थी तो वहाँ तक पानी चले गया है। तो सैंड देने का ये एक खासियत होता है, आप कोई भी पौधा लगाइए फट से पानी ड्रेन आउट हो जाता है और इसमें फंगस लगने का कोई चांस नहीं रहता है। फ्रेंड्स, आज का ये रजनीगंधा प्लांट लगाने का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। गार्डनिंग मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा गार्डनिंग करना पैशन है। तो ऐसे ही जो भी पौधा मैं न्यू लाऊंगी उसका अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं और एक प्यारा वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।